हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आपका स्वागत है गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए बताइए, तो आप लोग को आवाज़ जा रहा है सही से मेरा? ज़रा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा और जल्दी से आप लोग लाइव आइए। आपको आवाज़ जा रही है अच्छे से? आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए आवाज़ जा रहा है सही से। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आइए, जल्दी जल्दी, बहुत देर करते हो आप लोग लाइव आने में। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गोलू वर्मा गुड इवनिंग, कन्हैया कुमार गुड इवनिंग, विक्रम आवाज ठीक है, चलिए, शैलेंद्र गुड इवनिंग, गोलू कुमार गुड इवनिंग। चलो जल्दी जल्दी से 150 स्टूडेंट लाइव आइए, 90 पहुंचा अभी, जल्दी जल्दी और बढ़ेगा, 101 हो गया। रोहित कुमार गुड मॉर्निंग, रंजन गुड मॉर्निंग, रजनीकांत गुड इवनिंग, मनीष राज गुड इवनिंग, सुमन सिंह गुड इवनिंग, राजीव कुमार गुड इवनिंग, कुंदन कुमार गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग, अक्षय यादव जी गुड इवनिंग। चलिए अनिल चौधरी पूछ रहे हैं आपके बुक का क्या नाम है? किताब का नाम इंस्टीट्यूट के नाम से ही, और क्या किताब का नाम क्या है? वो आपका अर्थमेटिक का पूरा एक से किताब है, अगर आप क्लास आओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है तो त्रिकोणमिति, है ना, ट्राइगोनोमेट्री। और ध्यान दीजिएगा, अलजबरा में कुछ अब बचा नहीं क्योंकि बहुत लंबा अलजबरा चला है और एक दो क्लास का एक दो को टाइप जरा सा कुछ बचा हुआ है, उसको हम किसी दिन जो है ना संडे उंडे के दिन सिर्फ वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे और आपको हम लिंक दे देंगे। चले गौतम कुमार गुड इवनिंग, जल्दी से आइए, अभी भी 120 पहुंचा है, लगता है कि यूट्यूब पे पढ़ने का बन नया है, तो सभी को जूम ऐप पे लेके चल जाए क्या? और कल जूम ऐप पे आपका एसएससी का टारगेट बैच का क्लास सुबह 8 बजे है, सुबह 8 बजे आप लोग का क्लास होगा, जिनका भी एडमिशन है उन सभी का। टिंकू कुमार आपको सर आपका बुक मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, किताब मिल जाएगा जब क्लास आइएगा। तो चलिए जरा देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए जरा जरा लिखेगा, हेडिंग देगा और लिखेगा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और आप लोग एक काम करिएगा, क्लास सिर्फ ऐसे ही मोबाइल लेके मत करो, ठीक है, मोबाइल लेके क्लास करने से कोई फायदा है नहीं, आप एक कॉपी और कलम अपने पास जरूर रखिए। अगर आपके पास कॉपी पेन है जल्दी से लिखो, हाँ सर लिए हुए हैं। बिना कॉपी और पेन का क्लास कर पाना संभव है नहीं, ठीक है, क्योंकि आज हम बेसिक को सीखेंगे, आज हम बेसिक पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा, तो क्या है आज, क्या कौन सा चैप्टर चलेगा? त्रिकोणमिति है, जिसका हिंदी जो होता है वो होता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति होता है। आप जब इसका उच्चारण कीजिएगा, अगर आप हिंदी उच्चारण करते हैं तो हिंदी उच्चारण में सारा चीज आपका जो है क्लियर हो जाता है। आप इसको पढ़ के देखो, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब, त्रि का मतलब होता है तीन, ध्यान दीजिएगा, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब तो आप समझ ही गए, एंगल होता है, कोण होता है, मिति का मतलब होता है माप, कहने का मतलब है जहां पे तीन कोण की माप के बारे में जानकारी बताया जाए उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर आप अंग्रेजी में आते हैं तो अंग्रेजी में इसको जो है कह सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, वही सेम चीज है, तीन कोण। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है कह सकते हैं एंगल या फिर साइड भी कह सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका पूरा, इसका मतलब होगा त्रिकोण, तीन कोण, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है कह सकते हैं वही चीज माप, ठीक है। तो आप बस नाम को याद रखिए, त्रिकोणमिति और ट्राय क्या बोलता है, त्रिकोणमिति है क्या, वो हम आपको परिभाषा भी लिखाएंगे। अगर आपने कॉपी लिया है तो जरा से कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आज आपको हम बोल के भी लिखाएंगे और बोर्ड पे भी लिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करें, तो ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति जो है ना ट्रायंगल पर ही डिसाइड होगा, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति जो है ट्रायंगल पर ही घूमेगा। और ये होता क्या है त्रिकोणमिति, जरा आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा,
परिभाषा लिख लीजिएगा। इसका परिभाषा है क्या, तो जरा ध्यान दीजिएगा, लिखे तो ऐसे ही बोल के लिखा देते हैं, लिखिएगा। ममता सिन्हा, आप इतना लेट क्यों आते हैं सर, कौन सा ऐसा तुम पहाड़ ढा रही हो, अगर लेट आते भी हैं तो क्या होता है, कहीं और देख लो, 8 बजे अगर क्लास चलता है तो वहाँ कीजिएगा, डेली क्लास यहाँ 8:15 में ही शुरू है, ठीक है, और ना तुम्हारा होमवर्क आता है ना तुम कभी, तुम लगता है 1-2 दिन से आ रही हो क्लास के लिए, फालतू कॉमेंट्स करो मत। चलो देखिएगा, तो त्रिकोणमिति है क्या, तो त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे, त्रिकोणमिति है क्या परिभाषा इसका जरा लिख लेते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब यह है कि गणित की वह शाखा, ध्यान दीजिएगा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोनों और तीनों भुजाओं, त्रिभुज के तीनों कोनों और तीनों भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है, आप इसमें जो है गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोनों, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों और तीनों भुजाओं के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा, मतलब उसी के बारे में अध्ययन करना है, किसके बारे में, तीन कोण और तीन भुजाओं के बारे में, उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। इसमें 6 गो निष्पत्तियां होती है, वो 6 निष्पत्तियां क्या क्या होता है वो हम बताएंगे आपको आगे चल के, लेकिन पहले हम जरा सीख लेते हैं कि त्रिकोणमिति में आखिर पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो क्या आपने इसको लिख लिया, इसका परिभाषा, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, हो गया। अब जरा देखिएगा, पानी ला जरा थोड़ा सा, चलो देखो जरा, चलिए आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति में आखिर हम पढ़ेंगे क्या क्या, क्या क्या पढ़ना है त्रिकोणमिति में, वो सारा डिटेल्स आपको देते हैं, आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आज पहला क्लास है, आज बेसिक ही चलेगा और जो भी चलेगा एकदम झकास चलेगा, आप देखते रहिए, ठीक है। तो चले देखिएगा, त्रिकोणमिति में क्या क्या चलेगा, जो कौन कौन सा टॉपिक चलेगा पहले उसको लिख लेते हैं, ताकि आप जो है आपको ध्यान रहे कि क्या क्या पढ़ना है त्रिकोणमिति में, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो है बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब यह है कि त्रिकोणमिति के बारे में हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह सब क्या है, उसके बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब आप बेसिक्स को जान जाएंगे, आज और कल 2 क्लास में शायद आपको बेसिक्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। बेसिक्स के बाद आपको जो हम पढ़ाएंगे वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तीसरा नंबर जो है आपका वो 90 माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चन को आपको बताएंगे हम, क्या क्या है। पहला तो बेसिक्स हो गया, जिसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन ये सब के बारे में जानकारी दिया जाएगा। साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 60 का क्या होता है, कॉसेक 90 का क्या होता है, सारे का आपको बताएंगे बेसिक्स में। सेकेंड है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, थर्ड में है 90 माइनस थीटा, और ध्यान दीजिएगा चौथा नंबर में है वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन। कॉपी में सबको नोट कर लेना, ठीक है। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन होगा, कह सकते हैं कि वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका। आपका अगला है 5वां नंबर में फॉर्मूला बेस्ड। कहने का मतलब यह है कि त्रिकोणमिति में कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो फॉर्मूला से बनते हैं, ठीक है। अगला जो बताएंगे आपको वो होगा रेडियन और डिग्री से संबंधित प्रश्न, ठीक है। लाइए अब इधर लिख देते हैं, आप इसको नोट करके करते जाना, ठीक है, क्योंकि पहला क्लास है तो कॉपी भी अच्छा बनेगा, थ्योरी कॉपी बहुत अच्छा बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, आपको फिर से हम कह रहे हैं कि जब आप पढ़िएगा त्रिकोणमिति तो अलजबरा से बिल्कुल ईजी लगेगा, क्यों, क्योंकि अलजबरा और त्रिकोणमिति दोनों में बहुत समानता है। जैसे देखो जरा, वैल्यू पुटिंग बेस्ड ये आपको अलजबरा में भी पढ़ाए थे वैल्यू पुट करने के लिए, और यहाँ त्रिकोणमिति में भी पढ़ना है वैल्यू पुट करने के लिए। बाद में फॉर्मूला बेस्ड, वहां भी अलजबरा में a प्लस बी का कभी कभी होल स्क्वायर, कभी a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला से बनता था,
फिर है रेडियन और डिग्री निकालने के लिए। तो त्रिकोणमिति में कभी कभी रेडियन और डिग्री वाला प्रश्न भी पूछता है, मैक्सिमम मिनिमम भी है, आपका बेसिक्स है। तो देखिएगा अगला क्या है, जो जब डिग्री रेडियन सीख जाएंगे फिर आगे होगा आपका इसी में हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल पूरा का पूरा जो है ना वो त्रिकोणमिति है, ये पूरा का पूरा जो है त्रिकोणमिति ही है, ठीक है। तो जल्दी से जरा आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिए, तब तक हम आपके कमेंट्स को देखते हैं। चलिए 174 लोग लाइव हैं। चलिए तो आज थोड़ा सा ज्यादा देर, कैमरा सही ना है क्या, कैमरा सही है, देखिए तो आप लोग। सर आप क्लास लेट कर देते हैं लेने में, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिएगा, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है किसी को, ठीक है। देखो चलिए कॉपी पेन सब ले चुके हैं, 180 स्टूडेंट लाइव भी हैं। चलिए तो इसको नोट कर लिया सभी। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बेसिक्स है, क्योंकि पहले इसको जब सीखेंगे, क्योंकि पहले होता क्या है बेसिक, पहले त्रिकोणमिति का क्या होता है, साइन थीटा कैसे होता है, कॉस थीटा, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप जरा से देखिएगा, सर जो अलजबरा नहीं पढ़ा उसको त्रिकोणमिति समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, दोनों अलग चीज है, उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर था या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, बस यही अंतर है और क्या। नहीं सर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। क्वालिटी को तो मतलब क्या बोलता है, वीडियो को जो है ना 480p पे चलाओ, वहाँ पे आ जाएगा अच्छा सा। थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम हो जाता है, देखते हो काला हो जाता है। चले तो मिटाए इसको, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम कूदते हैं त्रिकोणमिति में, सबसे हल्का चैप्टर और सबसे आसान आपका अगर कोई चैप्टर है तो वो है त्रिकोणमिति। तो परिभाषा हो गया, क्या क्या पढ़ना है वो हो गया, अब जरा हम आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा में क्या है वो, ठीक है। कपड़ा रहता है, ठीक है। चलो देखिए जरा, चलिए बहुत पूरे अच्छे से दिख रहा है, चलो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो पूरा का पूरा त्रिकोणमिति जो है, फिर से हम आपको बोल रहे हैं, अगर आप पूरा त्रिकोणमिति सीख रहे हैं तो, अगर पहले भी पढ़ेंगे 8, 9, 10th में भी आप त्रिकोणमिति सीखे थे तो ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति जो है राइट एंगल पे खत्म हो जाता है। राइट एंगल का मतलब कह सकते हैं 90 डिग्री, जिसमें एक को 90 डिग्री होता है और को जो त्रिभुज होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। तो आपका जो है कहने का मतलब है त्रिकोणमिति जो है पूरा का पूरा ट्राइंगल पे ही आधारित है, और देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे होते हैं। तो चलिए पहले हम एक त्रिभुज बना लिए जो कि बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक को 90 डिग्री का है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सीखेंगे कि लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं और कर्ण किसको कहते हैं, ये तीनों के बारे में जानकारी पहले ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले हमको न पता, जब पता ही नहीं चलेगा कि आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, तो हम प्रश्न बनाएंगे कैसे। तो जरा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, और एबीसी त्रिभुज में मान लीजिए कि हमने कोण बी को पकड़ा, ध्यान दीजिएगा कोण बी को पकड़ा, तो ध्यान दीजिएगा जिस कोण को आप लेंगे, जिस कोण को आप साथ लेकर चलेंगे, जिस कोण को आप लेंगे, ध्यान दीजिएगा उसके सामने वाली के जो सामने वाला जो भुजा होता है, जिस कोण को आप लेंगे उसके सामने की जो भुजा होता है वो कहलाता है इसमें लंब, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा तो पता ही है, जो सबसे बड़ी भुजा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो जिस कोण को लेंगे उसके सामने की भुजा लंब है, अगर ये लंब है तो वो कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से फिगर बना रहे हैं, फिर से फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है एबीसी ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए कि हमने कोण सी को लिया, कोण सी को लिया, अगर मान लीजिए कोण सी को लेकर चलते हैं तो लंब हमारा ए वाला नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा चेंज होता है, जरूरी ना हो कि लंब आपका यही रहे, लंब आपका ये रहे जरूरी ना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस कोण को लेते हैं तो इस कोण के सामने की भुजा ये है, तो आपका लंब यहां पे हो जाएगा, आपका आधार हो गया, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो ध्यान दीजिएगा कोण डिसाइड करेगा, कोण मतलब एंगल डिसाइड करेगा कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। चलिए अगर हम यहां से भी नहीं सीखे
तो फिर से बता रहे हैं, जरा सा देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा अभी, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहा है उन्हीं को लेकर चल रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि लिखा है एबीसी ट्रायंगल है और हमको इस कोण को लेकर, मान लीजिए कोण थीटा है, मान लीजिए ये कोण थीटा है और हमको लंब आधार कर्ण चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा जिस कोण को लेकर चलेंगे वहां पे आप अपना मान लीजिए कि खुद का आंक रखिए, मान लीजिए यहां से आप देख रहे हो कोण ई वाला है, तो जहां से आप देख रहे हो, अगर जहां से आप देख रहे हो उसके सामने की जो भुजा है वही आपका लंब हो जाएगा, जहां से आप देख रहे हो वहां उसके सामने की जो भुजा है वही आपका लंब होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आप यहां से न देख रहे हो, मान लो कि आप यहां से न देख के आप ऊपर यहां से देख रहे हो, अगर यहां से देख रहे हो तो इसके सामने की भुजा ये है, आपका लंब ए हो जाएगा। तो कौन डिसाइड करेगा कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, ठीक है। तो हमको लगता है यहां से क्लियर हो गया होगा, क्या हो गया क्लियर, जरा सा देखिएगा, रुक जाओ, क्लियर क्या हो गया कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थीटा मान लीजिए कौन थीटा है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा, फिर से बोल रहे हैं 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो आपका कहलाएगा कर्ण, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण। तो पहले आपको लंब आधार कर्ण निकालने के लिए आना जरूरी है, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, हो गया ना, अब हम आते हैं साइन कॉस टैन में, जरा सा ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं इसको, एक त्रिभुज को रहने देते हैं। चलो देखिएगा, जरा देखिएगा, त्रिकोणमिति में जो है ना छह निष्पत्तियां होती है, छह निष्पत्तियां, निष्पत्तियां क्या है वो हम आपको बताते हैं, शायद आप पढ़े भी होंगे कि क्या बोलता है, त्रिकोणमिति में छह निष्पत्तियां होती है, कौन कौन, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छे काम करते हैं, आधार को कहते हैं बेस, बेस को हम बी से सूचित कर सकते हैं, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस जिसको हम एच से सूचित कर सकते हैं, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर जिसको हम पी से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा सा देखो, हमको मान लीजिए कि साइन, मतलब कि साइन बी का मान निकालना है, थीटा ने दिया साइन बी का वैल्यू चाहिए, थीटा है नहीं, मान लीजिए सिर्फ साइन बी का वैल्यू चाहिए, और हमको चाहिए कॉस बी का, हमको चाहिए टैन बी का, क्या होता है जो, सुनिएगा जरा सा ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा जो है ना, छह निष्पत्तियां में तीन को तो हो गया यहाँ पे, अब तीन कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा जो है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा जो है वो होता है सेक, टैन का जो उल्टा है वो होता है कॉट, ठीक है। तो छह निष्पत्तियां कौन कौन सा है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, आपको ये छह वो याद होगा पहले से, कोई दिक्कत है नहीं, और बहुत अच्छा, 200 स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं, बिल्कुल सर पूरा डीप पढ़ाइएगा शॉर्टकट, पंकज कुमार क्या चाहते हैं आप, पूरा डीप या शॉर्टकट में, आप लोग क्या चाहते हैं जरा कॉमेंट कीजिए, पूरा डीप में चाहते हैं कि शॉर्टकट में चाहते हैं, जरा हम भी तो सुने। आपका क्लास जो त्रिकोणमिति का है ना, वो लगभग आपका कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का जो आपका क्लास चलेगा वो 12 से 13 क्लास तक चलेगा, मतलब 14 क्लास मैक्सिमम इसका, क्योंकि त्रिकोणमिति से बहुत प्रश्न हर एक एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, सब में पूछता है, और स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होता है आपका त्रिकोणमिति में। आप बस शुरुआत है आपका, आप तो बस देखते रहो कैसे त्रिकोणमिति को ईजी बनाते हैं, जैसे अलजबरा ईजी बना है त्रिकोणमिति भी आसान होगा, पहले जरा शुरुआत तो करने दीजिए, आप बस देखते जाओ, ठीक है, बस मन मार के देखते जाएंगे, देखते जाइए। और शॉर्टकट तो इतना जान लीजिए कि कोई भी प्रश्न आएगा, कोई भी प्रश्न आपको लिखाएंगे, वो कह सकते हैं कि 15 से 20 सेकेंड उस प्रश्न के लिए काफी है, आप इसी को लॉन्ग समझो या शॉर्ट समझो, कैसे बनेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, छह निष्पत्तियां होती है, कौन कौन, साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, आपको छह वो याद भी होगा, क्योंकि अब बच्चे तो रहे नहीं, टेंथ पास कर गए, ट्वेल्थ पास कर गए, और हम वहां पे पूरा रटे थे कि क्या होता है साइन कॉस टैन, ठीक है। तो अगर साइन की बात करते हैं, तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, मींस कह सकते हैं कि पी बटा एच होता है, सही है। कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, मतलब होता है बी बटा एच। टेन बी का मतलब, टेन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, मतलब हो जाएगा पी बटा बी, ठीक है। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो अगर ये पी बटा एच है तो कॉसेक हो जाएगा एच बटा पी। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो अगर ये बी बटा एच है तो हो जाएगा एच बटा बी। ये पी बटा बी है तो कॉट हो जाएगा बी बटा पी। बी मीन्स बेस, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेनस, ठीक है। आप छह बो को देख लो, याद आपको हो गया होगा,
क्योंकि पहले पढ़े थे और हम मान के चलेंगे कि चलो आपसे याद नहीं हुआ, तो नहीं याद हुआ वो भी हम याद कराएंगे। जरा सा देखिए कैसे, देखिए डीप, ना डीप चलेगा ना ट्रिक से चलेगा, ठीक है। ऐसा आपको बताया जाएगा जो एग्जाम को लेकर बेटर हो और कम समय में बने प्रश्न और जल्दी बन जाए, और जो एग्जाम में पूछता हो वही प्रश्न सिर्फ आपको बताएंगे, फालतू प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, ठीक है। चूंकि आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चलो देखिएगा जरा सा, याद हो गया सभी को? सभी को याद ये वाला? अगर नहीं याद है ना तो जरा सा देखिए, तो हम इसका कुछ ऐसे ही बस बोलचाल की भाषा में नौवां दसवां में जो है ना मजाक मजाक में सीखे थे उसी को जरा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ लिखे हैं बोर्ड पे, क्या लिखे हैं जरा सा समझिएगा। ये जो आपका लिखे हैं इस साइन के बदले है, ये कॉस के बदले है, ये टैन के बदले है। आप अगर क्या बोलता है, आप अगर मान लीजिए कि 11th 12th का क्लास करते थे तो वहाँ पे पीरियोडिक टेबल जब याद करना होता था तो उसको ट्रिक से याद करते थे, तो इसको ट्रिक से तो याद नहीं करो तो अच्छा है, डायरेक्ट याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बस ऐसे ही बोल रहे हैं आपको, समझिएगा जरा सा क्या है। जो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, मतलब पी बटा एच होता है, कॉस का वैल्यू होता है बी बटा एच, टैन का वैल्यू होता है पी बटा बी। अब इसको ऐसे ही याद कैसे करेंगे जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसको ऐसे ही बोलते, देखो कैसे याद करना। जो पंडित बद्री प्रसाद, फिर से बोल रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तौले, फिर से एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तौले, याद रहेगा थोड़ा सा, याद नहीं रखना बस ऐसे ही बता रहे हैं आपको। जब क्या पहला दिन है तो ऐसे ही बता रहे हैं, जरा सा देखिएगा कुछ नया ही है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तौले, याद रहेगा। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से देखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, फिर से एक बार, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, याद रहेगा। बोल के देखो मनी मन एक बार ऐसे ही, और आप इसको जो है डायरेक्ट याद कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। कहने का मतलब यह है कि साइन का वैल्यू पी बटा एच होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का वैल्यू बी बटा एच आधार बटा कर्ण, टैन का वैल्यू पी बटा बी मतलब लंब बटा आधार। अगर नहीं याद है, अगर नहीं याद है तो आप एक और शॉर्टकट याद रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप एक और शॉर्टकट याद रख सकते हैं, वो है लाल बटा कक्का है। अभी लाल बटे कक्का क्या है जो समझिएगा जरा, ये एल बटा के जो है ना वो साइन के लिए है, ए बटा के जो है वो कॉस के लिए है, और एल बटा ए जो है वो टैन के लिए है। कहने का मतलब ये है कि एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण वो साइन के लिए होता है, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, और टैन के लिए लंब बटा आधार होता है। तो अब बिल्कुल याद हो गया होगा, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बढ़ जाए आगे, इसको मिटाते हैं, याद हो गया, याद हो गया। क्या वो कैसे याद कराए थे, फिर से बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तौले, ना याद है तो फिर से एक बार, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और भी बोले पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, फिर से एक बार, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, याद रहेगा। तो बस ऐसे ही पहले 9th 10th में होता था ना, तो ट्रिक से ऐसे ही मतलब कि बोलते थे हम लोग, ठीक है। आप लोग भी बोले होंगे पहले, बहुत तरह का आप लोग बनाते थे मन ही मन ट्रिक इसका, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं, अब जरा हम कूदते हैं त्रिकोणमिति में। अब आता है छोटा छोटा प्रश्न, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, चलो देखिएगा जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको पूरी तरह से याद हो गया है, पूरी तरह से कह सकते हैं कि याद हो गया है। एक बार फिर से हम लिख देते हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं साइन थीटा तो क्या होता है पी बटा एच, कह सकते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कॉस थीटा तो होता है क्या बी बटा एच, आपसे पूछते हैं हम टैन थीटा क्या होता है पी बटा बी, याद हो रहेगा सभी को। फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा क्योंकि इसी में बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा कॉसेक, अगर पी बटा एच है तो एच बटा पी हो जाएगा। क्या सेक थीटा का निकल जाएगा बी बटा एच है तो एच बटा पी हो जाएगा, ठीक है। ये पी बटा बी है तो कह सकते हैं टैन का उल्टा, तो कॉट है क्या हो जाएगा बी बटा पी, क्लियर है यहां तक, देख लो आप। चले ट्रिक में सबसे अच्छा लगता है पाकिस्तान वाला लगा है ना, करा सर सबसे अच्छा पाकिस्तान वाला था, बहुत बेस्ट ट्रिक है। सबसे बेटर कौन सा लगा जो अभी बोले हम, उसमें सबसे अच्छा कौन सा था बताओ।
फिर से ट्रिक सर जी, आप कभी भूलोगे ना, एक आप पाकिस्तान लो तो एकदम नहीं भूलोगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कितना अच्छा है बताओ। चलिए ये ज्यादा इजी था, आप याद रख सकते हो। तो बस इजी, आप धीरे धीरे चलो, देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और आप देखिए ना त्रिकोणमिति क्या बोले, जब बोल दिए त्रिकोणमिति आपका अलजबरा से आसान होगा, मतलब होगा, ठीक है। बस पेशेंस आप रखिए और देखते चलिए। और आज आपका डेटा है ना, बस डेटा को बचा के रखना बस। और लाइव आता ही ना है, 180 स्टूडेंट सिर्फ लाइव है सर। दो मंथ्स में सीएचएसएल एग्जाम है, सो तेजी से उड़ाइएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी है। देखो मोहित, हम बता रहे हैं आपको, वहाँ पे सीएचएसएल का जो प्रैक्टिस है वो आपको देखिए ना, 15-20 दिन पहले अगर कोचिंग खुल जाता तो बेहतर है, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको और अच्छे से कराएंगे। अगर नहीं खुला तो ऑनलाइन में देखेंगे सुविधा क्या होता है क्या। और आप जो है ना अभी घर में सेट रूट बनाओ एसएससी का, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे सभी को पाकिस्तान वाला ठीक लगा, अच्छा चलो देखो जरा आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दिए इसको, चलो ध्यान दीजिएगा। अब जरा सा देखिए, हम कुछ बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज है। आपको कह सकते हैं मान लीजिए ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा जरा, अगर ये पी है और ये बी है, मतलब परपेंडिकुलर बेस, ये कह सकते हैं हाइपोटेनस हो जाएगा। और हाइपोटेनस जो होता है ना, वो रूट अंडर एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, याद रहेगा। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर त्रिभुज की भुजा तीन रहे चार रहे तो क्या उसका कर्ण निकल जाएगा। कर्ण कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करेंगे, रूट अंडर आपको तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, मतलब कितना होता है 5 होता है। तो कुछ हम आपको जो है ना आपको याद करवाएंगे, अभी त्रिभुज में आपको कुछ याद करवाएंगे कि आप याद कर जाओ, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप जो आपको कुछ बोल रहे हैं जरा सा ध्यान देना, ठीक है। आपको हम कह रहे हैं कि अगर त्रिभुज जो है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का हो, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाता हो, तो आपको तीनों को पहले लिख दिए, देखिएगा जरा सा, बहुत ही अच्छा बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, किताब में आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कहने का मतलब ये है, मान लो कि लंब का वैल्यू एन है, लंब अगर एन है तो आधार जो है ना एन स्क्वायर माइनस 1/2 कह सकते हैं। ये क्यों लिख रहा है ना वो हम बताते हैं आपको। कर्ण को जो है ना एन स्क्वायर प्लस 1/2 भी कह सकते हैं, ऐसा क्यों, जहां देखिएगा, जहां एन जो है ना, जहां एन आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, एन ऑड नंबर है। अब इसका मतलब क्या होगा जरा समझिएगा, अगर एन का वैल्यू मान लो तीन है, एन का वैल्यू तीन है तो क्या आधार निकल जाएगा, आधार निकलेगा कैसे, तीन रखेंगे, तीन का स्क्वायर 9, 9 में से एक गया, 9 में से एक गया 8, 8 को 2 से भागा देंगे 4। अब तीन रखेंगे, तीन का स्क्वायर 9, 9 एक 10, 10 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 5 होगा। कहने का मतलब यह है कि जिस त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 रहे, ध्यान दीजिएगा, जिस त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 रहे, वैसे त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। फिर से एक बार, अब एन एन बराबर ऑड नंबर ही लेना है, 4 मत ले लेना, 6 मत लेना, ठीक है, वो अपने से आ जाएगा। अब एन बराबर 5 लेकर देखते हैं, तो 5 रखिए, तो 5 रखे तो 5 का स्क्वायर 25 में से गया 24, 24 में से 24 को 2 से भागा दिए तो 12। कर्ण कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर 25 एक 26, 26 को 2 से भागा दिया 13। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि जिस त्रिभुज की भुजा 5 रहे उसका आधार और कर्ण जो है ना 12 और 13 होता है। जिस त्रिभुज की भुजा 5 रहे उसका आधार और कर्ण क्या होता है 12 और 13। चलो एन बराबर 7 लेके देखते हैं, एन बराबर 7 लेके देखते हैं, 7 का स्क्वायर 49 में से एक गया 48, 48 को 2 से भागा देंगे 24। अब 7 का स्क्वायर 49 और एक 50, 2 से भागा दिए तो 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 रहे, अगर त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 रहे तो हम उसको बोलेंगे तुरते समकोण त्रिभुज। इसको याद वाद नहीं करना है, बस इसको याद करना है। क्या बोले हम, जिस त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 वो समकोण त्रिभुज। अब इसका डबल कीजिए तो 3 × 6, 4 × 8, 5 × 10। जिस त्रिभुज की भुजा 6, 8, 10 होता है, जिस त्रिभुज की भुजा 6, 8, 10 उसको भी हम कहेंगे समकोण त्रिभुज।
अब चले तीन 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 गुना करेगा, तीन तिया नौ, चार तिया बारह, पांच तिया पंद्रह। कहने का मतलब यह है कि जिस त्रिभुज की भुजा नौ बारह पंद्रह वो भी कैसा त्रिभुज होगा, वो भी आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। यहां से आइए, जिस त्रिभुज की भुजा पांच बारह तेरह वो कैसा त्रिभुज है, वो भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब दुगुना करेगा, दस चौबीस छब्बीस। अब बताइए जिस त्रिभुज की भुजा दस चौबीस छब्बीस वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब आप मन मन सोच रहे होंगे कि कर क्या रहे है, तो आपको हम बता रहे कर क्या रहे है। आप करते क्या ना हो कि एग्जाम जब पांच लंब और आधार दिया रहता है, आप कर निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते हो। फॉर्मूला मत लगाओ, दो चार पांच को याद रखो, वही सब घूमते रहता है। याद क्या रखना है देखिएगा जरा, याद रखना है कि जिस त्रिभुज की भुजा तीन चार हो उसका कर्ण पांच होता है, जिस त्रिभुज की भुजा तीन चार हो उसका कर्ण पांच होता है, जिस त्रिभुज की भुजा पांच बारह हो उसका कर्ण तेरह होता है, जिस त्रिभुज की भुजा सात चौबीस हो उसका कर्ण पच्चीस होता है। तो दो तीन को जरा याद करना है, कैसे, तीन चार पांच समकोण त्रिभुज, पांच बारह तेरह समकोण त्रिभुज, नौ चालीस इकतालीस ध्यान दीजिएगा, नौ चालीस इकतालीस समकोण त्रिभुज। आप इसी का फिर डबल होते जाए, डबल तो करना ईजी है क्योंकि छब्बीस रहेगा तो पकड़ा जाएगा तेरह का गुणज है, पंद्रह रहेगा तो पकड़ा जाएगा पांच का गुणज है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार आएगा। देखिए जरा, तो आपको दो तीन को याद रखना है, कौन कौन याद रखना है, पहला तो तीन चार पांच, पांच बारह तेरह, सात चालीस इकतालीस, सात चौबीस पच्चीस, नौ चालीस इकतालीस, ये सबको आप याद रखिएगा, ठीक है। आप जरा सा देखिएगा, कुछ है कुछ छोटा सा बस प्रश्न दे रहे हैं, बना के दिखाइए। तो चलिए छोटा सा प्रश्न देखिएगा जरा, प्रश्न क्या, यदि 5 tan थीटा बराबर 12 है तो आपको बताना है sin थीटा का मान, cos थीटा, sec थीटा, cot थीटा, tan तो दिया ही है, चलिए cosec थीटा जल्दी से बना के दिखाओ। तो चलो जल्दी करेगा, जल्दी करेगा, फिर से आप बनाओ, तब तक हम रिपीट करते हैं। क्या हमने बोला, तीन चार पांच वो समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की भुजा पांच बारह तेरह वो समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की भुजा सात चौबीस पच्चीस वो समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की भुजा छह आठ दस वो समकोण त्रिभुज है। तो ये सब भुजा जो है ना आपको बार बार आते रहेगा, जैसे देखो पांच बार आ गया, हम समझ जाएंगे कर्ण तेरह होता है, ठीक है। जल्दी कीजिए, चलिए सबका जवाब देगा। सर सेक का गलत लिखे, हो सकता है गलत हो गया होगा, सामने आप रहते तब ना सुधारते हैं, अब अकेले हैं तो बोलते बोलते हो भी जाता होगा, क्या दिक्कत है, आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। चले जल्दी करेगा, जल्दी करो, बन रहा है सभी से, जरा एक बार फिर से बोलते हैं, देखिएगा जरा क्या करेंगे हम, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बारह वटा पांच, टैन इसको कहा सब, जब पांच टैन थीटा बराबर बारह है तो टैन थीटा इक्वल टू बारह बटा पांच हो जाएगा। अब टैन में आपको हम बताए थे टैन क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, यही ना होता है। अब जब लंब आधार दिया है तो क्या कर्ण निकल जाएगा, कर्ण कितना होगा बताइए, तेरह। कैसे डायरेक्ट लिख दिए, अभी हम समझे थे, अभी हम समझे थे कि जिस त्रिभुज की भुजा पांच बारह उसका कर्ण क्या होता है, तेरह होता है, याद रहेगा इतना। नहीं तो जानते हो अभी तेरह निकालने के लिए फॉर्मूला आप लगाते वगैरह वगैरह करते हैं, टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा, ठीक है, और एग्जाम में तो हमारे पास समय है नहीं। तो चलिए जरा देखिएगा, अब हमको लंब आधार कर्ण पता चल गया, अब साइन का निकाल लेते हैं। तो चलिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण मतलब क्या हो जाएगा, बारह बटा तेरह होगा। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, मतलब हो जाएगा पांच बटा तेरह। चलिए सेक कौसे का उल्टा होता है, कौसे का उल्टा सेक होता है, मतलब तेरह बटा पांच। चलिए कॉट टैने का उल्टा होता है, तो बारह बटा पांच है तो हो जाएगा पांच बटा बारह। आई कौसे किसका उल्टा होता है, साइन का, तो बारह बटा तेरह है तो हो जाएगा तेरह बटा बारह। आंसर हो गया आपका, इजी था, है ना, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हम पहले भी बना चुके थे, लेकिन इतना हल्का थोड़े ना हम आपको देंगे, ये तो ऐसे ही मजाक में दिए। अभी लग रहा होगा कि एकदम बच्चा वाला बता रहे हैं ना, नाइन टेंथ में ऐसे पढ़ते थे। बस दो बस दस मिनट और वेट कीजिए, फिर देखिए जरा, फिर देखते हैं कितना बना पाते। चलो देखिएगा जरा प्रश्न क्या है, जरा समझिएगा, लिखा हुआ है, चलो हम एक ट्रायंगल को बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आपका काम ही आसान कर देते हैं,
ध्यान दीजिए, चलो कहोगे कि आप भी क्या सर पूछे हैं, क्या प्रश्न दिए, रुक जाइए दूसरा दे देते हैं मुझे। चलो ठीक है, चलिए हम आपसे पूछे हैं साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू है, टैन ए का वैल्यू पूछे हैं, सेक ए का वैल्यू पूछे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे हमने पूछा है साइन बी का मान, टैन बी का मान, और आपसे पूछे हम सेक बी का मान। जल्दी से हल कीजिए, बताइए क्या होगा। चलो अभी तो बहुत तेज बन रहे थे आप, हमको लगता है तीन को तो आसानी से बना देंगे, इसको मुख्य रूप से बनाना है। आप इसका जवाब दीजिए क्या हो सकता है, जो चले बनाइए जल्दी से। चले 170 स्टूडेंट लाइव है, चलिए बनाएगा। चलिए बन गया। चलो लाओ हम बनाते हैं, देखे तो अब साइन ए का मतलब समझते हो, ए का मतलब होता है ईवल एंगल। ध्यान दीजिएगा, साइन ए का मतलब होता है ईवल एंगल, और जब एंगल ईवला हो तो लंब आपका ईवला हो जाएगा, आधार आपका ईवला होगा, और कर्ण आपका ईवला होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब साइन ए पूछ रहा है, ए तो ए के लिए लंब ए है, तो कह सकते हैं साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मींस कह सकते हैं 7/25। ठीक है, टैन का मतलब क्या होता है, टैन मतलब होता है लंब बटा आधार, मतलब क्या हो जाएगा 7/24। सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस बराबर जब आधार बटा कर्ण है तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार, मतलब हो जाएगा 25/24 हो जाएगा। अब जरा सा वहां पे आइए, देखिए अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है साइन बी का वैल्यू, तो जरा सा ध्यान देगा, साइन बी का मतलब एंगल ईवला हो जाएगा, कोण ईवला होगा, साइन बी मतलब एंगल ईवला होगा, और जरा सा ध्यान दीजिए, अगर एंगल ईवला है तो कर्ण आपका आपका लंब कौन सा हो जाएगा, अगर कोण बी है तो लंब आपका उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा ए वाला होगा, आधार आपका ए हो जाएगा, और कर्ण आपका ए हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि एंगल हमको बी को लेना है, एंगल बी को लेकर चलना है, तो ऐसे स्थिति में लंब ए, आधार ई, कर्णी। ठीक है, अब साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब हो जाएगा 24/25। ठीक है, टैन का मतलब क्या होता है, टैन बी है ना, टैन का मतलब होता है लंब बटा आधार, मतलब हो जाएगा 24/7 होगा। अब सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटा आधार हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका 25/ क्या हो जाएगा 7 होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो 183 है, बहुत अच्छा, जल्दी और बढ़ेगा क्या, कोण इस कोण का मतलब समझ गए ना क्या होता है, जो ये कोण को आप अच्छी तरह से समझिए, फिर देखिए प्रश्न कैसा आता है। चलिए हमको लगता है कि आप समझ गए बहुत अच्छे से, चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलो ध्यान देखो, अगला प्रश्न आपका दे रहा है जो कौन से ही संबंधित है और एग्जाम में आया हुआ है, देखो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न याद आ गया, जरा देखिए तो बना के देखिएगा क्या है। जो लिखा है समकोण, ध्यान देगा कौन बना के दिखाता है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, समकोण है, और ए से बीसी पर एडी लंब बीसी हो, और एडी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो बताएं कि कॉट बी प्लस कॉट सी का मान क्या होता है। जरा जल्दी करेगा,
ये आपका एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है एक नंबर का, और अभी जितना हम पढ़ाए हैं उससे ही प्रश्न बन जाएगा, जितना भी आपको पढ़ाया गया उससे ही प्रश्न बनेगा। जल्दी से जवाब देगा इसका, नहीं दिख रहा है क्या किसी को प्रश्न? चलो नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं आपको। चलो अब दिख गया होगा। बोर्ड पर तो अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? लिखा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है और ए से बीसी पर एडी लंब बीसी है, और एडी का मान दिया, बीसी का मान दिया है, आपको बताना है कॉट बी प्लस कॉट सी। चलो जवाब देगा, अरे जवाब अभी तक कोई दिया नहीं है, अभी तो बोल रहे थे इजी था। चलो जल्दी करेगा, जल्दी करेगा, आपके जवाब का हम वेट कर रहे हैं, जल्दी बनाओ। क्या हुआ, नहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है तो भी बताइए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिक्कत हो गया किसी को? चले लाइए हम बना देते हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, दो गलत है बिल्कुल। चले लाइए हम बना देते हैं, देखो जरा सा, पहले तो एक ट्रायंगल बना लो आप, सीखिए जरा सा प्रश्न कहां से बनता है, और ध्यान दीजिएगा इसको बनाने में जानते हो कितना देर लगेगा? हर 2 सेकंड ज्यादा बोल दिए तो 1 सेकंड, 1 सेकंड में इसका आंसर। अब वो कैसे है वो बताएंगे ना, उसके बाद आप बताओगे कैसे इसको 1 सेकंड में बना सकते हैं। जो जरा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, जो लिखा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण ए समकोण है, तो समकोण का मतलब 90 होता है ना, तो कोण ए यहां पे हो जाएगा और बी और सी यहां पे हो जाएगा, कोई दिक्कत? प्रश्न लिखा है कि ए से बीसी पर एडी लंब बीसी है, ए से जो है बीसी पर एडी लंब बीसी, एडी मान लेते हैं और एडी लंब डाला गया है किस पे, बीसी पे लंब डाला गया है, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, एडी का मान दिया हुआ है, एडी का मान 3 है, बीसी का मान 12 है, आपसे कॉट बी आप प्लस कॉट सी का वैल्यू पूछ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है तो उसी से काम चला लेंगे। अब जरा सा कॉट बी पूछ रहा है, तो कॉट बी मतलब आपको कह सकते हैं ई वाला कोण, और लाइए कॉर पेन का यूज कर लेते हैं हम, कॉट बी अगर बोलेगा तो ई वाला कोण, और कॉट सी कह रहा है तो सी का मतलब कह सकते हैं ई वाला कोण। अब जरा सा आप केयर कीजिएगा, आपको इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में चलना है, ठीक है। अगर आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलते हैं तो इस त्रिभुज में आप देखो कि ई वाला कोण समकोण है, 90 डिग्री का है, क्योंकि लंब डालने से 90 का कोण बनाता है। तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आप देखिए, तो जब आप इस छोटे से त्रिभुज को देख रहे हैं तो 90 के सामने तो एक कर्ण हो जाएगा, थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा कह सकते हैं, और जब ये कर्ण लंब तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, सही है। अब आप ही बताओ कॉट बी, तो कॉट का मतलब होता है टैन का उल्टा, टैन का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का मतलब होगा आधार बटा कर्ण, मतलब कह सकते हैं कि बीडी अब बट बीडी आधार तो बीडी है ना, बीडी अब बटा क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, सही है। अब कॉट सी में आइए, कॉट सी मतलब इस त्रिभुज में आइए, तो सी मतलब ई वाला कोण, इसके सामने की भुजा लंब होगा, 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, आई लंब आई कर्ण तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट सी कर रहा है तो सी मतलब ई वाला, और कॉट का फॉर्मूला होता है क्या, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब का मतलब होगा डी सी बटा क्या हो जाएगा, एडी होगा, ठीक है। आप जरा सा सीखिएगा, लगता है थोड़ा थोड़ा आ गया ज्यामिति, है ना? समझ में नहीं आ रहा है सर, नहीं बन रहा है सर, आएगा समझ में, पहले देखो तो यहां तक क्लियर है, देखो तो यहां तक क्लियर है, जरा सभी हाँ या ना में जवाब देगा, यहां तक डॉट क्लियर है कि कुछ नहीं किए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज चले हैं, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब का मतलब बीडी बटा एडी, बीडी बटा एडी, अब इस त्रिभुज में चले हैं, थीटा के सामने लंब है, 90 के सामने कर्ण है, तो ये आधार हो जाएगा, कॉट का भी फॉर्मूला आधार बटा लंब है, मतलब डीसी बटा एडी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं सर, चले ठीक है। अब यहां से कॉमन ले लेते, कॉमन देखिए तो क्या एडी कॉमन निकला, क्या एडी कॉमन, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, एडी एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम हो गया सेम, दोनों सेम सेम है, तो एडी निकलेगा एलसीएम, अब ऊपर क्या हो जाएगा, बीडी अब बटा डीसी हो जाएगा, समझिएगा। अभी आपको सीखना नहीं है, हमने क्या बोला, इस प्रश्न का सॉल्यूशन 1 सेकंड में होगा, मतलब 1 ही सेकंड में होगा,
कैसे वो देखिएगा जरा। अब BD प्लस DC तो BD प्लस DC का मतलब BC, इसको और इसको अगर जोड़ेंगे BD और DC को जोड़ेंगे तो हो जाएगा BC अब बटा हो जाएगा AD, ठीक है। आज जरा सा ध्यान दीजिएगा, BC का वैल्यू दिया है कितना 12 और AD का वैल्यू कितना दिया है 3, हल करेंगे तो आंसर हमारा कितना निकलेगा 4। अब देखो ये प्रश्न आपको बहुत डराने के लिए दिया था, जब एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है कुछ नहीं करेंगे, 12 को 4 से भागा दिए, सॉरी 3 था ना, 12 को 3 से भागा दिए, जो हल करके आएगा वो आंसर है। तो इसका बस सॉल्यूशन यही था, दोनों को एक दूसरे से भागा देना था, हल करके जो आएगा वो आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? कुछ नहीं किया, एडी एलसीएम हो गया, बीडी प्लस डीसी होगा, बीडी प्लस डीसी, बीडी और डीसी को जोड़ेंगे तो बीसी होगा, बीसी बट एडी है, बीसी का वैल्यू 12, एडी का 3, काटेंगे 4। कुछ नहीं करना, इसका सॉल्यूशन क्या था 1 सेकंड बोले थे ना, अब 1 सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, 12 को 3 से भागा दिए जो हल करके आएगा वो आंसर। 1 सेकंड में बना कि नहीं? लेकिन बनना, देखो बनाना आसान है लेकिन पहले आपको सीखना होगा कि कोण किसको कहते हैं, लंब किसको, आधार किसको, कर्ण किसको। जब तक आप इसको नहीं ना समझोगे त्रिकोणमिति का प्रश्न बनेगा ही नहीं आपसे। तो बार बार हम लंब आधार कर्ण पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब इसको सीख जाएंगे तो प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आगे बढ़े, चले बहुत अच्छा, सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है क्या, कोई कहता है कि रिपीट करें? आप देखो 1 सेकंड में आंसर कैसे निकलता है वो हम दिखाते हैं आपको। देखो हम प्रश्न देते हैं, सभ्य बना के दिखा देगा, और ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, काम चोर मत बनिएगा। जैसे हम बनाए हैं उसी तरह से आपको बनाना है, त्रिभुज बना के जैसे बताया उस तरह से बनाइएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप हमको बताओ, AD का वैल्यू दिया है मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू दिया है आपसे मान लीजिए 35 सेंटीमीटर, चलो 35 ज्यादा हो गया, रुको एक मिनट, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर दिया है आपको, बता रहा है कॉट बी प्लस कॉट सी क्या होगा, ट्रायंगल ABC में नहीं चले, छोटा छोटा जो दो को त्रिभुज बना था ना उसमें चले। विपिन कुमार गलत है, तीन ऐसे नहीं लाना, बना के लाइए, जैसे लॉन्ग मेथड में बनाइए ना, लॉन्ग मेथड में बना के लाओ, ऐसे मत लाओ, ऐसे कोई फायदा है नहीं, हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा, फिर आपको जैसे हम बताए सेम उस तरह से बना के देखे एक बार क्या होगा, टाइम लगेगा ना थोड़ा सा, तो शुरुआत में टाइम लगे तो लगे, क्या दिक्कत है। चलिए तो लगता है कि सबका क्लियर है, सब आंसर दे दिए, लेकिन जो भी दिए हैं हम इसको गलत ही मानते हैं, क्यों, क्योंकि आप काम चोरी किए, आप डायरेक्ट कुछ मत किए, कुछ नहीं किए, 15 को 5 से भागा दिए और आंसर बोल दिए 3, जो कि बिल्कुल सही जवाब था, लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं, बना के बनाओ, एक बार बना के बनाइए तो ज्यादा बेटर है। हमको नहीं लगता डायरेक्ट आंसर दे दें, क्या जरूरी है इतना डिटेल से बताना। चलो देखो जरा, तो त्रिकोणमिति ऐसा ही होगा, जब लॉन्ग में बताएंगे तो लगेगा कि क्या कर रहे हैं सर, जब शॉर्ट होगा तो 2 सेकंड 3 सेकंड 10 20 सेकंड मैक्सिमम होगा किसी भी प्रश्न के लिए, ठीक है। चलो देखो जरा, डायरेक्ट बनाते हैं, बी का मतलब ई वाला कोण, सी का मतलब ई वाला कोण, इस कोण के सामने लंब, इस कोण के सामने लंब, तो लंब तो यही होगा, और इस त्रिभुज में आधार हो गया, और इस त्रिभुज में आधार ई वाला हो गया, कर्ण यहाँ पे और कर्ण यहाँ पे हो जाएगा, सही है, और सॉरी उल्टा कर दिए, उल्टा हो गया, 90 के सामने ना कर्ण होता है, कर्ण यहाँ पे होगा, आधार हो जाएगा यहाँ पे, सही है। अब कुछ नहीं, कॉट बी, बी मतलब ई वाला, तो आधार बटा लंब मतलब हो जाएगा BD बटा AD, और कॉट सी, सी मतलब ई वाला, आधार बटा लंब मतलब हो जाएगा DC बटा AD, आगे हल कर लीजिए, आंसर हो गया आपका, सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा तो एक छोटा सा प्रश्न दे रहे, देखिए तो आप लोग अलजबरा पढ़े हो अच्छे से, याद भी होगा सबको अलजबरा क्या होता है, जो सबको याद है ना, तो जरा आपको अलजबरा याद है तो उसी से रिलेटेड एक दो को प्रश्न देते हैं, जल्दी से बना के दिखाइएगा, प्रश्न क्या है समझिएगा, जरा जल्दी से बनाइए। आज बस बेसिक है, मेन क्लास आपका कल से शुरू करेंगे क्योंकि आज पहला क्लास है, तो जो भी बता रहे एकदम नॉर्मल, एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं। चलो जल्दी करो, जवाब देगा इसका, लिखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 5, आपको बताना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान, जवाब इसका मात्र 2 सेकंड में निकलेगा, आप बताइए कैसे, और जितना हम आपको पढ़ाए हैं उतना में ही इसका आंसर भी है, ठीक है।
चलिए पुष्पा कुमारी का जवाब आ चुका है, चलिए हरियंका रानी का भी जवाब आया है, पुरुषोत्तम का भी जवाब है, सोनम का भी जवाब है, टिंकू का भी जवाब है, संतू सिंह गलत जवाब 35 नहीं होगा, सुमन सिंह बिल्कुल सही है, सुमन गुप्ता सही है, सुशील पाल 23 होगा। चलिए ठीक है, पकड़ लिया का, देखो तो लगता पकड़ लिया। अलजबरा पढ़े थे आप लोग, इसको क्यों लिखे, अभी ही क्यों लिखे, क्योंकि आपका अलजबरा पढ़े हुए हो और एग्जाम में कभी कभी इस तरह का प्रश्न आता है। ये दो तो कम है, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा, 7 रहेगा, कुछ भी रहेगा, आपको कुछ भी रहेगा, सबका वैल्यू हम बताए थे, तो जल्दी से देखिएगा। यहाँ पे साइन और कोसेक का वैल्यू 5 दिया है, इसका मतलब है सर, जरा समझिएगा, जरा हम एक बार अलजबरा में आते हैं। आपको हमने लिखाया था x + 1 / x = a, तो आपको हम बताए थे x² + 1 / x² का मान क्या होता है, याद कीजिए, शायद बताए होंगे। इसका पहला क्लास में बताए थे हम कि इसका वैल्यू होता है a² - 2 होता है, सही है, तो इसका वैल्यू a² - 2 होता है। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे कि जो वैल्यू दिया है अगर उसी का उल्टा है, जो वैल्यू दिया है उसी का अगर उल्टा रहे तो स्क्वायर में पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, a² - 2 होता है, याद करवाए थे आपको। हम बोले थे कि x + 1 / x = अगर a है तो अगर x³ और 1 / x³ का वैल्यू पूछेगा तो a³ - 3a करते हैं, याद है कुछ हो? आपको हम बताए थे क्या, सही है ना, तो आप बस याद रखना, जो दिया है अगर उसी का वैल्यू उसी का बस उल्टा है, जो दिया है उसी का अगर उल्टा रहे, अगर स्क्वायर में पूछेगा तो ई फॉर्मूला, क्यू में पूछेगा तो ई फॉर्मूला। अब यहां पे आप सीखो, जरा सा सीखना, जरा सा देखिएगा ऊपर का प्रश्न है क्या, कोई भी न्यू स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट आप आज पहली क्लास में समझेगा, जो दिया है साइन उसी का तो उल्टा है कॉस, जो दिया है उसी का तो उल्टा है, जो दिया है उसी का तो कोसेक उल्टा है, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, सेक का अपोजिट क्या होता है कॉस, टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, होता है कि नहीं होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है सभी। तो यहां पे देखिए जरा, दोनों एक दूसरे का विपरीत है, जब दोनों एक दूसरे का विपरीत है स्क्वायर में वैल्यू पूछेगा, कुछ नहीं करेंगे, a² - 2 मतलब 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया, आंसर हमारा 23 निकलेगा। और हम आपको बोले थे कि 2 सेकंड में बनेगा, आप देख लो 2 सेकंड में जवाब है कि नहीं, 2 सेकंड में ही जवाब है इसका। चले बढ़े हम, और आज आपका क्लास ज्यादा देर चलेगा नहीं, 9:30 बजे तक मैक्सिमम, 1 घंटा 15 मिनट का ही क्लास आपका आज आपका है, तो बिल्कुल कहीं जाइए मत, क्योंकि अगर गए तो डिग्री तो आज आपका नहीं लेंगे। कैसे डिग्री याद करना है, कैसे पूछता है, वो सारा कुछ हम बताने वाले आज ही हैं, ठीक है। चलो देखो जरा, ध्यान दीजिएगा, और जो भी क्या बोलता है, और जो भी स्टूडेंट मतलब कि टारगेट बैच में एडमिशन लिया है वो कल जूम ऐप पे क्लास करेगा, ठीक है, उसी पे लाइव आएंगे हम, और आपको आईडी पासवर्ड रात को ही भेज देंगे, रात को ही कोई भी समय में लड़का आपको भेज देगा आपके नंबर पे, जो आपका नंबर है, आप जब सुबह उठेंगे तो आईडी पासवर्ड आपको मिला हुआ रहेगा, 8 बजे बस उस आईडी पासवर्ड को इंटर करना है और क्लास में इन कर जाना, ठीक है। जिस स्टूडेंट का एडमिशन होगा नहीं, अगर वो इन कर जाते हैं वैसे स्टूडेंट को निकाला जाएगा। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट क्लास जिनका एडमिशन है अगर वो आते हैं क्लास के लिए, तो जिस नाम से एडमिशन करवाए हैं, जो आधार कार्ड में नाम जो दिया है, जो आधार कार्ड भेजे हो वही नाम आपका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी को सिर्फ मिलेगा जो आधार कार्ड भेजे हो, क्योंकि उसी तरह से सबको सेटिंग किया गया है, या तो फिर दिक्कत होगा क्लास में, किसी का आईडी पासवर्ड नहीं ले रहा है तो कोई कुछ हो जाएगा, तो ध्यान दे रहा है इसी को। चलो तो दे बनाने के लिए प्रश्न जल्दी से बनाएगा, 2-3 प्रश्न देते हैं, बना के दिखाओ। लिखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3 है, बताना है टेन क्यू थीटा कॉट क्यू थीटा मान क्या होगा। चलिए चलो जल्दी से बताएगा क्या होगा इसका आंसर, क्या बेसिक सही है, जो धीरे धीरे चल रहा है सही है ना, कि डायरेक्ट आपको एकदम दे दें हाई फाई क्वेश्चन, धीरे धीरे सीखेंगे हम, आज हम एक नंबर का तो सीखे ना, एग्जाम में जरूर इस तरह का प्रश्न आपको पूछता है, पिछला जो प्रश्न था वो भी प्रश्न आपको एसएससी में आया हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए सभी लोग 0 आंसर दे रहे हैं,
बहुत अच्छा, आंसर इसका जीरो ही आएगा, ठीक है। क्या बोले, त्रिकोणमित अलजबरा सीखने के बाद, आपको बताया था अलजबरा के फर्स्ट क्लास में कि जो स्टूडेंट अलजबरा को सीख लिया उसका त्रिकोणमिति इजी हो जाएगा। अलजबरा कितना आसानी से बताया गया आपको यादें होगा, तो देखिएगा त्रिकोणमिति का क्या हल होता है, देखिए जरा। चलिए टैन और कॉट बराबर रूट थ्री दिया है, उसका वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं समझिएगा जरा, जो दिया है उसी का तो वैल्यू है, जो दिया है उसी का उल्टा है, तो जब दोनों एक दूसरे का उल्टा रहे, जब दोनों एक दूसरे का विपरीत रहे और क्यू में पूछेगा तो बस कुछ नहीं है, क्यू माइनस थ्री ए का फॉर्मूला लगा देना है जो अलजबरा में बताए थे हम। तो ए के बदले रूट थ्री है, तो रूट थ्री का होल क्यू कीजिए, अब माइनस थ्री ए के बदले हो जाएगा रूट थ्री, तो रूट थ्री का होल क्यू करेंगे, रूट थ्री का होल क्यू करेंगे, थ्री रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री, दोनों कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा आपसे, तो हमको लगता है बनेगा, है ना। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, कौन पहले जवाब देता है, चलो देखिएगा जरा। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर पांच है, तो कॉस का पावर फोर थीटा प्लस सेक का पावर फोर थीटा, इसका मान क्या होगा। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट करो, हम उसका उपाय लगा के देखते हैं। क्लास 9:30 बजे तक ही है, ठीक है। कहाँ बोलते हो कि हम ऑफलाइन में कम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में दिक्कत ही होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑफलाइन में सर आप 40 मिनट समय देते हैं, 30 से 40 मिनट का समय, ऑनलाइन में आप ठीक समय देते हो। मेरे पास समय बचा हुआ है इसलिए आपको समय पूरा मिल रहा है, ठीक है। तो इसका लाभ उठाओ और डेटा बढ़ाओ, ठीक है। और आपको तो टारगेट बैच में बोले थे कि एडमिशन ले लीजिए, लेकिन आप सुने नहीं। क्या बोलते हैं, एवरेज आपका कल तीसरा क्लास से लगता है ना, दो सेशन क्लास चलेगा आपका, और चार क्लास में आपका एवरेज खत्म होने की बात हुई थी, और एवरेज का असाइनमेंट आपको टेलीग्राम पे और ग्रुप में सबको भेज दिया गया है। जिस स्टूडेंट को डाउनलोड, जो स्टूडेंट डाउनलोड नहीं किया है वो जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। और होमवर्क उसमें क्या बोलता है, बना लेगा टाइप वन और टाइप टू। अगला क्लास आपका जूम ऐप पे है कल सुबह, ठीक है। तो चले बन गया ऊपर वाला, ध्यान देगा। चलो देखिए जरा सा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जो चले कॉस ओसी का उल्टा सेक है, अगर उसका वैल्यू दिया है पावर फोर में पूछ रहा है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, पावर चार डायरेक्ट नहीं निकल सकता है। उस दिन भी अलजबरा में आपको सिखाए थे कि अगर पावर चार निकालना है तो पहले आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तभी आप चार का निकाल सकते हो। पहले आप स्क्वायर निकालिएगा तभी आप चार निकाल सकते हो। क्या समझे बात को आप यहां तक? नहीं समझे तो फिर समझिएगा। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस टू, यही होता है ना। तो पांच का स्क्वायर 25, 25 में से दो गया तो 23, सही है। अब पावर चार किसका, स्क्वायर, स्क्वायर इसी का ना स्क्वायर है। अब इसका मान निकालेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, 23 का स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 527 हो गया आंसर। देख लो क्या दिया, 610 बोल रहा है कोई कोई। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आया सर एवरेज का पीडीएफ, शायद तुम एक मैथ में सिर्फ एडमिशन लिया होगा इसलिए भी गया नहीं होगा। टेलीग्राम से कर लो डाउनलोड, वहां पे होगा, ठीक है। और जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत है नहीं। चले बढ़े हम आगे, चले एक और देते हैं प्रश्न, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक और बनाइए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं फिर। चले बनाइएगा जरा, चले बनाइएगा, लास्ट है, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, एंगल पर आ जाएंगे। चले टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दिया है चार, और आपको बताना है, सॉरी चार नहीं तीन ही रखते हैं, आपको बताना है टैन का पावर एट थीटा प्लस कॉट का पावर एट थीटा। जल्दी करेगा जवाब देगा इसका, इसका जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल तक डेमो दे दीजिए सर एवरेज का, डेमो दो दिन तो काफी था, दो दिन डेमो दिए, समझो चार सेशन चला आपका। अब कल आपका क्लास चलेगा जूम ऐप पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे कैसे ऐड होंगे सर, आपको एक काम करना, जब जिसको ऐड होना ना टेलीग्राम पे, वो एक काम करेगा, टेलीग्राम को खोलेगा, टेलीग्राम एप्लीकेशन को जब आप खोलेगा तो ऊपर सर्च रहता है, सर्च में जाके लिखना है GTC स्टडी, सर्च में जाके लिखिएगा GTC स्टडी, आपको चैनल दिख जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये वाला नहीं तो आपको लिखना है गौरव टीचिंग सेंटर, तो आप फिर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है। चले बनेगा, पावर आठ तभी ना निकलेगा जब हमको पहले स्क्वायर पता रहे, स्क्वायर पता रहेगा फिर इसका स्क्वायर मतलब पावर फोर फिर निकलेगा,
और फिर ध्यान दीजिए पावर चार निकला तब जाके आपको टेन आठ का निकलेगा। क्या क्लियर है? छोड़े अब इसको, स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस टू यही होता है और बाकी सबका भी वही होगा। तो तीन का स्क्वायर नौ, नौ में से दो गया सात, सही है। अब यहां देखिए सात का स्क्वायर उनचास, सात का स्क्वायर उनचास, उनचास में से दो गया तो सैतालीस। अब सैतालीस का स्क्वायर कीजिए, सैतालीस का स्क्वायर कीजिए जीरो नौ, अब पच्चीस में से दो गया तेईस और माइनस टू, मतलब कह सकते हैं कि सैतालीस का स्क्वायर करेंगे तो तेईस सौ नौ, हमें से दो गया तेईस सौ सात हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे देखिएगा, बाईस सौ सात होगा, पच्चीस, हाँ सॉरी बाईस सौ सात होगा, बाईस सौ सात होगा, ठीक है। तो नो नहीं होगा, नो कैसे होगा, देखो जरा फिर से, सैतालीस का स्क्वायर करेंगे और उसमें से दो घटाएंगे तो चूंकि तीन कम है, तीन का स्क्वायर नो और फिर पच्चीस में तीन गया तो रुक जाओ, नो ने जीरो नो, अब पच्चीस में से तीन गया तो बाईस, माइनस टू हल करेंगे बाईस सौ सात आएगा, ठीक है। पचास के आसपास स्क्वायर सिखा देगा, जरा सा देखो तो ऐसे ही जरा दो मिनट में सिखा देंगे हम। मान लीजिए आपको चौवन का स्क्वायर करना है, मान लीझिए आपको छप्पन का स्क्वायर करना है, समझ ना, ऐसे ही बता रहे हैं बस। मान लो आपको तिरपन का स्क्वायर करना है, जैसे कि अभी आ गया, इसको तो मिटा दें, अभी तो हो गया, क्लियर है। जरा सा देखिएगा, बार बार पचास वाला भी तंग करता है, जरा सा देखिए। तो मान लीजिए आपको कभी सैंतालीस का स्क्वायर करना है, मान लीजिए छियालीस का स्क्वायर करना है, मान लीजिए आपको कभी कभी मान लीजिए चलो चौवालीस का स्क्वायर करना है, जरा एक बार देखिएगा, ऐसे ही देखो। मान लीजिए चौवन का स्क्वायर करना है तो बताइएगा, देखिएगा, जब चौवन जो है पचास से कितना ज्यादा, चौवन पचास से चार ज्यादा, चार का स्क्वायर सोलह। अब दो अंक को लिखना, पचास के आसपास जब भी स्क्वायर कीजिएगा डायरेक्ट दो अंक को लिखेंगे, ठीक है। तो चौवन जो है पचास से चार ज्यादा, चार का स्क्वायर सोलह। अब चार ज्यादा है तो पच्चीस में चार जोड़िए, उनतीस हो जाएगा। आप कहेगा पच्चीस में का है, कहे कि अंतिम वाला पांच है, पांच का स्क्वायर पच्चीस होता है तो पच्चीस में जोड़ना है, तो चार का स्क्वायर सोलह, चूंकि चार ज्यादा है तो पच्चीस में चार जोड़ेंगे उनतीस होगा। फिर से छप्पन छह ज्यादा, छह का स्क्वायर छत्तीस, अब छह ज्यादा है तो पच्चीस में छह जोड़िए, पच्चीस छो इकतीस। तिरपन पचास से तीन ज्यादा, तीन का स्क्वायर नो, लेकिन जीरो नो लिखेंगे ताकि दो अंक बने। अब तीन ज्यादा है तो पच्चीस में तीन जोड़िए, अट्ठाईस हो जाएगा। तीन कम है, तीन कम है, सैतालीस तीन कम है, तीन का स्क्वायर नो, अब तीन कम है तो पच्चीस में तीन घटाइए। चार कम है, चार का स्क्वायर सोलह, चार कम है, पच्चीस में चार घटाइए, पच्चीस में चार जाएगा कितना बचेगा, इक्कीस बचेगा ना, और बाकी आपसे हो जाएगा। तो बस ऐसे ही था, नॉर्मल सा एक छोटा सा ट्रिक जो कि आपको अगर 50 के आसपास पूछेगा तो कभी भी आप निकाल सकते हो। तो चले जाते जाते आपको कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, आपको एंगल हम दे रहे हैं, आप उसको याद कीजिएगा और याद करके जब आप अगले क्लास में आएंगे फिर हम आपको टोटल एंगल बताएंगे, ठीक है। चलो ध्यान देगा, चलो देखिएगा, देखिए तो अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा, चलो देखिएगा जरा, चलिए एंगल सभी को याद है। यहाँ पे हम लिखते हैं जीरो डिग्री, नहीं दिख रहा है क्या ऊपर, ज़्यादा लगता है ज़्यादा ऊपर हो गया है ना, रुकिए जरा क्लियर करते हैं आपका। चलो देखिएगा जरा सा, ध्यान दीजिएगा, चलिए जीरो डिग्री है, यहाँ पे तीस डिग्री, यहाँ पे पैंतालीस, यहाँ पे साठ डिग्री और यहाँ पे कितना हो जाएगा नब्बे डिग्री। जरा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो जीरो डिग्री आप सब इसको जो है ना, इसको कोई ट्रिक से मत याद रखो, ये एक ऐसा चीज है कि इसको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, डायरेक्ट याद रखना होगा, इसका कोई ट्रिक ना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो ना तो जब प्रश्न पूछेगा तो वहां पे मान पुट करने में ज्यादा इजी होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि साइन जीरो डिग्री का मान देखिएगा कितना होता है, जीरो होता है, साइन तीस का मान कितना होता है, वन बाई टू होता है, साइन तीस डिग्री का मान वन बाई टू, साइन पैंतालीस का मान वन बाई रूट टू, चलिए साइन 60 का मान रूट थ्री बाई टू, साइन 90 का वैल्यू एक होता है।
अब इसको याद कैसे करेंगे, हमारे साथ जरा मन ही मन आप भी बोलिएगा, बोलिएगा वहीं से, ठीक है। साइन जीरो मतलब जीरो, साइन तीस का वैल्यू एक बटा दो, साइन पैंतालीस वन बाई रूट टू, साइन साठ रूट थ्री बाई टू, साइन नाइनटी का मान एक, याद हो गया सभी को। अब सुनिएगा, कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन का उल्टा होता है, कॉस का वैल्यू साइन का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, मतलब जो 90 का वैल्यू है यहाँ पे जीरो डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, जो इसका 30 डिग्री का वैल्यू है उसका 60 डिग्री का, मतलब यहाँ पे रूट थ्री बाई टू, और चलिए यहीं पे यही बीच में इसलिए वही रह जाएगा, यहाँ पे होगा वन बाई टू, यहाँ पे होगा जीरो। जरा एक बार बोल के हम देखते हैं, एक बार बोल के, कॉस जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो डिग्री एक, कॉस तीस डिग्री रूट थ्री बाई टू, कॉस पैंतालीस डिग्री वन बाई रूट टू, कॉस साठ डिग्री वन बाई टू, कॉस नाइनटी जीरो, ठीक है। एक बार फिर से, कॉस पैंतालीस का मान वन बाई रूट टू, कॉस साठ का मान वन बाई टू, कॉस तीस का मान रूट थ्री बाई टू। चलिए बोलिएगा, ऐसे ही बोलते हैं, देखिए याद ऐसे ही होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या वैल्यू, तो सब दिख रहा होगा अच्छे से। चलो फिर से एक बार बोल के देखते हैं, साइन साठ रूट थ्री बाई टू, कॉस साठ एक वटा दो, साइन पैंतालीस डिग्री एक वटा रूट टू, कॉस पैंतालीस एक वटा रूट टू, याद हो गया। आप देखो जरा सा, टेन थीटा के बदले क्या होता है जरा समझिएगा, टेन थीटा का मतलब जानते हो क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है साइन, साइन थीटा अब बटा होता है कॉस थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब दोनों को जब भागा दोगे ना तो वो टेन का वैल्यू होगा, तो जीरो बटा एक का मतलब जीरो हो जाता है। अगर आप इसको इससे भागा दीजिएगा, जब इस एक बटा दो को रूट थ्री बाई टू से भागा दीजिएगा तो साइन तीस का वैल्यू होगा वन बाई रूट थ्री, साइन तीस डिग्री का सॉरी टेन तीस का वैल्यू हो जाएगा वन बाई रूट थ्री। कैसे, टेन का जो वैल्यू होता है दोनों को भागा देने से आता है, क्योंकि टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा का मतलब साइन बटा कॉस होता है, तो एक बटा दो को जब भागा देंगे रूट थ्री बाई टू से तो वन बाई रूट थ्री बचेगा, जब आप इसको इससे भागा दीजिएगा, भागा देंगे तो इससे ही कट जाएगा, एक बचेगा। साइन साठ का वैल्यू रूट थ्री है और साइन 90 का वैल्यू, जब दोनों को एक दूसरे से भागा देंगे तो वन वटा जीरो मतलब हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब जरा से इसको भी एक बार पढ़ते हैं मन ही मन, देखिएगा बोलने से याद होगा, ध्यान देगा। नहीं दिख रहा है सर, नहीं कैसे दिख रहा होगा, ठीक से तो दिख रहा है, इधर इधर तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो देखिएगा जरा, चलो देखिएगा, एक बार बोलते हैं, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है एक बटा रूट थ्री, टेन 45 एक, टेन 60 रूट थ्री, टेन 90 इनफाइनाइट, याद रहेगा, क्योंकि इसको याद कर जाओ, इसको याद कर गए तो इसका इसको निकालना बिल्कुल सिंपल है। तो जरा सा हम बोलते हैं मन ही मन, देखिएगा साइन कॉस टेन में किसी का भी वैल्यू बोल के आपको बोलते हैं, जरा देखिएगा, साइन 45 एक बटा रूट टू, कॉस 60 एक बटा दो, टेन 60 रूट थ्री, टेन 30 एक बटा रूट थ्री, इस तरह से आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि जब प्रश्न आएगा वहां पे आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, ठीक है। लिखने से याद हो गया, सबको याद हो गया, बताओ जरा जवाब देगा इसका, और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपको जीरो डिग्री 30 डिग्री 45 से सब अलग कम पूछे लगा है, अब आपसे पूछता है साइन साइन दो क्या बोलता है 310 डिग्री का वैल्यू, आपसे पूछ देगा साइन 450 डिग्री का वैल्यू, आपसे पूछ देगा कॉस 1080 डिग्री का वैल्यू, मतलब कि अब 90 से ज्यादा का पूछने लगा है, ठीक है। तो वो आपको सारा डिटेल हम देंगे अगले क्लास में, पहले इसको तो याद कर लो। अब जरा सा देखिएगा, कॉसेक जो है ना वो साइन का अपोजिट होता है, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, अगर जीरो को उलट देंगे, अगर जीरो को उलट देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सा देखिएगा, एक वटा दो है, अगर एक वटा दो को उल्टेंगे तो दो होगा, वन बाई रूट टू है उल्टेंगे तो रूट टू हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो वटा रूट थ्री हो जाएगा, एक को उलटेंगे भी फिर भी एक ही रहेगा, क्या ठीक है यहाँ पर। इसको याद वत मत करो, साइन का उल्टा होता है तो ऐसे भी पता चलेगा, अगर बोलेगा कॉसेक 60 डिग्री, मतलब पहले साइन 60 का याद है तो साइन 60 का ही उल्टा कॉसेक 60 डिग्री होता है, अगर बोल देगा कॉसेक 45 डिग्री तो साइन 45 का उल्टा कॉसेक 45 होता है, ठीक है। यहाँ पे आइए, सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का, एक का एक को उलट दीजिए एक ही होगा, रूट थ्री बाई टू को उलट दीजिए टू बाई रूट थ्री, एक एक वटा रूट टू को उलट दीजिए, एक वटा रूट टू को उल्टेंगे तो रूट टू, एक वटा दो को उलट दीजिए दो, जीरो को उलट दीजिए इनफाइनाइट, सही है। चलिए देखिएगा, टेन को जरा सा ध्यान दीजिएगा, जीरो को उलट दीजिए इनफाइनाइट, वन वटा रूट थ्री को उलटिए रूट थ्री, एक का एक ही रह जाएगा, रूट थ्री को उलटिए वन वटा रूट थ्री, और इनफाइनाइट है, अगर उल्टेंगे जीरो होगा।
चलिए हो गया। चलो देखिएगा जरा सा, तो सर जो 12 ट्वेल्थ का परीक्षा पास किया उसका बैच कब से शुरू होगा? हम न्यू स्टूडेंट, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ट्वेल्थ तुम पास किया, तुमको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रहा है? चलो देखिएगा जरा। चलिए भूल गए थे सब, याद हो गया। एंगल नहीं दिख रहा है सर, तो एंगल नहीं दिख रहा है तो बोल रहा है ना, बोलने से दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा बोर्ड ऊंचा है इसलिए ऊपर लिख दिए ज्यादा, अगर दिख नहीं रहा है तो बोलने से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप मुख्य रूप से साइन कॉस टैन का याद रखो, ये काफी है। ठीक है सर, गुना समझ में नहीं आया। अच्छा चलो, अर्थमेटिक में कभी एक बार आएगा ना तो बता देंगे। चलो देखो जरा आगे बढ़े, तो सबको कंप्लीट हो गया है। चलो ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जरा सा एक मिनट समय देखें। हम वैल्यू बोलेंगे, आप वहां कमेंट करना। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कमेंट करना है। देखिए तो जरा कौन कौन कर पाते हैं। जो जो हम डिग्री का नाम लेंगे उस पर 10 सेकंड का समय होगा, आपको कमेंट करना है। ठीक है, फिर हम अगले डिग्री पे आएंगे। चलिए तो जल्दी से आप लोग जवाब देगा, आप जल्दी से जवाब दीजिए। टेन 60 डिग्री क्या होता है? टेन 60 जल्दी जल्दी करेगा। टेन 60 का वैल्यू क्या है? चलिए समय समाप्त, बताइएगा। कॉस 45, कॉस 45 का मान क्या होगा? आप रूट थ्री कुछ भी जैसे बने वैसे बोल सकते हो। कॉस 45 हो गया। चलिए जल्दी करेगा। टैन 30 डिग्री, टैन 30 टैन 30 का वैल्यू चलिए बताइएगा। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 चलिए बताइएगा। देखना इधर देख रहे ना, ठीक है, आपको अपने मन से जवाब देना। जल्दी करेगा। साइन 60 हो गया था। चलिए जल्दी करेगा। टैन 45 सबसे आसान, टैन 45 है। चलिए तो सबको याद हो गया है। ठीक है, और इसको याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपसे, क्योंकि आप जो क्या बोलते हैं एसएससी का जो एग्जाम होता है, चाहे वो सीएचएसएल हो चाहे वो सीजीएल हो, ये कम ही पूछता है। मतलब 90 डिग्री वाले का वो रहा तो रहा, छोटा छोटा एग्जाम में पूछता है, और बड़े बड़े एग्जाम में आपको 180 डिग्री का पूछेगा, 360 के आसपास का पूछेगा, 270 डिग्री के आसपास पूछेगा, तो हमको उसको भी सीखना है। ठीक है, तो हम आज जाते जाते आपको बस वो वाला जब बस डायग्राम बना के चले जाते हैं ताकि आप उसको याद रखिएगा। जब हम अगले क्लास में आएंगे तो आपको वही हम पढ़ाएंगे। जरा सा देखिए, जरा सा बस 2 मिनट और समय लेंगे हम आपका, मतलब जितना कम समय हम आपको दे रहे थे वहां उससे ज्यादा ही समय हम आपको दे रहे हैं यहाँ। तो मेकअप हो गया भाई, ठीक है। चलो देखिएगा, बात अगर 90 डिग्री से अधिक की हो तो कैसे उसको क्लियर करेंगे? देखिए तो बात अगर 90 डिग्री की हो तो कैसे क्लियर करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब एसएससी के एग्जाम में 180 डिग्री क्या बोले, 180 270, मतलब कि आपसे पूछेगा साइन 660 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपसे पूछेगा कॉस, आपसे पूछ सकता है ध्यान दीजिएगा, कॉस 300 डिग्री का मान क्या होता है, आपसे पूछेगा कॉट 225 डिग्री का मान क्या होता है। तो कैसे निकालेंगे जरा सीखिएगा। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स डैश, इसको बाई, और इसको कह सकते हैं बाई डैश। ठीक है, आप जरा सुनिएगा, आप जरा सुनिएगा, आप ध्यान दीजिएगा हमेशा। ये पहला, इसको कहते हैं पहला क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको चारों हम याद करा देंगे, उसके बाद आज का क्लास बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, पहला जो क्वाड्रेंट होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये जो एक्सिस आपका है 90 डिग्री है, ई वाला जो है कह सकते हैं 180 डिग्री, ई वाला कह सकते हैं 270, और इसको कह सकते हैं 0 डिग्री या फिर कह सकते हैं 360 डिग्री। ठीक है, अब जरा सा समझिएगा। सर हम कंपटीशन कॉल पता नहीं क्या लिखे, चलो ध्यान देगा जरा सा देखिएगा।
तो क्या बोले, पहला क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण बनेगा, सेकंड में 90 से 180, ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच का कोण बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कह सकते हैं कि 180 से 270 के बीच का कोण बनेगा, फोर्थ में 270 से 360 के बीच का कोण बनेगा। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि कौन कौन सा इसमें पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, क्या इसमें कौन किसका, ई वाला जो है ई वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका घर है, दूसरा क्वाड्रेंट किसका घर है, तीसरा क्वाड्रेंट किसका घर है, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, वो हम सब आपको बताएंगे। पहले समझिएगा, कहने का मतलब यह है, आप जब देखे होंगे एक पिता है, एक पिता है उसके तीन संतान है, एक पिता है उसके तीन संतान है, जो पिताजी है वो यहां पे रहते हैं, इस घर में रहते हैं, और आप जानते हो कि पिताजी का घर तीनों या चार बाल बच्चा हो चाहे पांच हो सबके लिए खुला हुआ रहता है। तो पहला जो घर है वो पिताजी का है, इसमें तीनों बेटा जाके रह सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें जो भी आएगा चाहे वो साइन 60 का वैल्यू हो, कॉस 60 हो, टैन 60 हो, टैन 90 हो, कॉस 90 हो, कुछ भी हो, 0 से 90 डिग्री के बीच कुछ भी कोण बनेगा, सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि सभी का घर है, और इस क्योंकि इसमें पिता पिताजी रहते हैं और पिता के भी पिता के लिए तीनों संतान एक जैसा है, तो कोई भी आके इसमें रह सकता है जब भी मन हो। अब बंटवारा हो गया है, पिताजी ने तीनों के लिए स्पेशल स्पेशल घर दिया बना के, एक के लिए घर बना है, दूसरा के लिए, तीसरा के लिए, तो ये वाला जो घर है सेकंड जो क्वाड्रेंट है, जो सेकंड घर है, ये मिला है साइन को, साइन को मिला, या फिर कह सकते हैं कौशिक को मिला है। तो फिर से पहला घर किसका, सभी का, पहला घर किसका, सभी का, दूसरा घर किसका, साइन को मिला है, मतलब बंटवारा जब हुआ तो सेकंड वाला घर साइन और कौशिक को पड़ा है, तीसरा वाला जो घर है ये तीसरा घर पड़ा, जो बेटा का नाम था वो था टैन या कॉट था, टैन और कॉट मतलब इसी का उल्टा, कॉट टैन और उल्टा कॉट। तो ठीक है, समझिएगा, फिर से पहला घर सभी के लिए, दूसरा घर साइन वाला के लिए, साइन और कौशिक के लिए, तीसरा घर जो होता है वो टैन और कॉट के लिए। अब देखते हो शादी ब्याह हो जाता है तभी बंटवारा होता है, जब शादी हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा होता है फिर बंटवारा होता है। तो मान लो कि दोनों पति पत्नी है, और विचार कभी सुना होगा, एक नहीं होता है कभी, अलग अलग विचार होते हैं, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इवला घर साइन कौशिक को मिला, इवला घर टैन को, और ये जो घर मिला वो मिला कौश या किसको मिला, सेक को मिला है। ठीक है, तो आपको शायद हमको लगता है कि बेटर याद हो गया होगा, ठीक है, तुमको बेटर याद हो गया होगा, पहला क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन और कौशिक, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट, और फोर्थ में कौश और सेक। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ है कि ये वाला घर इसका हो गया। अब इसमें टैन का वैल्यू पूछेगा ना, टैन का वैल्यू अगर 180 से 270 के बीच कुछ भी पूछेगा पॉजिटिव में आएगा, कॉस का वैल्यू 270 से 360 के बीच कुछ भी पूछेगा पॉजिटिव में आएगा, बाकी का निगेटिव में आएगा, साइन और कौशिक का वैल्यू कुछ में भी पूछेगा सबका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, बाकी इसमें अगर मान लीजिए कॉस पूछ दिया, अगर कॉस पूछ दिया 120 डिग्री, तो ये वाला 120 डिग्री इसी में ना है, 90 से 180 के बीच 120 आता है, तो 120 कॉस 120 पूछेगा, सपोज अगर कॉस 120 पूछेगा तो 120 का मतलब सेकंड वाला घर, और सेकंड वाला घर साइन का है, तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, अगर कॉस का पूछा 120 में तो निगेटिव में वैल्यू होगा जो भी आए वैल्यू अभी। ठीक है, अगर इसको ऐसे नहीं याद किए हो, अगर इसको ऐसे याद नहीं करते हैं, तो चलिए हम कुछ लिख रहे हैं, इसका भी एक ट्रिक देते हैं, अगर याद होता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही मतलब नहीं भी याद कर सकते हो इस ट्रिक से, बस ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है जरा सा देखिएगा, एक छोटा सा वर्ड लिखे, ए एस टी सी, दिख रहा है क्या लिखा हमने, क्या बिट्टू गुप्ता क्या कमेंट कर रहा है, वो चलो देखिए जरा सा, हो गया ना, चलो टाइम ओवर हो गया है ना सर, हम कंपटीशन का जरूर नहीं पड़े, चलो देखिएगा जरा सा, फिर से बोल रहे हैं क्या है वो समझिएगा जरा, ट्रिक क्या है, तो पहला में क्या है, पहला में ऑल पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, पहला में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में जो आपका होता है वो होता है साइन या कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में जो होगा आपका वो हो जाएगा टैन या कॉट पॉजिटिव, और चौथा में जो होगा वो होगा कॉस या सेक पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और ट्रिक क्या है, ए एस टी सी, ए एस टी सी का मतलब क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फॉर कैसे याद रखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए एस टी सी,
ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टैन, सी का मतलब कॉस। आप इसको बस याद रखिए। और लगता है टाइम ओवर हो गया, अब किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो चलिए सेवा समाप्त। अगले क्लास जब आप आइएगा तो आपको हम बताएंगे साइन 300 डिग्री का वैल्यू, कॉस 300 डिग्री का वैल्यू, और आपको बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न आपको अगले क्लास में किया जाएगा, क्योंकि आज तो बस बेसिक चला है। तो आपको एक काम करना है, आपको टोटल डिग्री याद कर लेना है। आप टोटल डिग्री 0 से लेके 90 तक याद कर लीजिएगा। और आज इतना देर पढ़ाने के पीछे बस एक ही कारण है कि शायद आपका एक आध क्लास छुट्टी रहे, तो इसी के चलते आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास दे दिए, ताकि एक दिन आपका शाम का क्लास बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो बस इग्नोर करो, डेटा बचा के रखो, क्लास कुछ भी चल सकता है लाइव में। तो बस आज ज़्यादा इसलिए हुआ कि एक आध दिन छुट्टी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए किसी को कोई दिक्कत है तो बता देगा। चलिए तो गुड नाइट, है ना, सभी अच्छे से रहो, खुश रहिए, और डिग्री को सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास ही मेन क्लास है त्रिकोणमिति का। ठीक है।